हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट विकास मैरीगोल्ड वर्गो। नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 64। रीड द सेंटेंस एंड कलर द पिक्चर। तो बच्चों क्या करना है, हमें सेंटेंस को पढ़कर कलर करना है इस पिक्चर में, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वन नंबर में द रूफ इज ब्राउन। ओके, तो रूफ कैसे कलर की है, ब्राउन। तो हमें लिखना है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है, आप लोग यहाँ पर ब्राउन कलर फिलअप्स करना है। टू नंबर में द चिमनी इज ब्लैक। ओके, तो ये है चिमनी, इसमें हमें कलर करना है ब्लैक। थ्री नंबर द वॉल्स आर येलो। ओके, तो वॉल्स मीन्स होता है दीवार, ठीक है। तो दीवार पर हमें करना है येलो कलर। ओके, तो ये मैंने येलो लिखा है स्पेलिंग, आप लोग को मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, आपको कलर फिलअप्स करना है। फोन नंबर है द विंडोज आर रेड। ओके, विंडो भी होता है खिड़कियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं 1, 2, 3। ओके, थ्री नो विंडो पे क्या करना है आपको, मैंने आर लिखा, ओनली फॉर आर, आप लोग को रेड कलर यहाँ पे फिलअप्स करना है। उसके बाद है फाइव नंबर द डोर इज ब्लू। ओके, तो ये डोर है, डोर पे आपको कलर करना है, ब्लू कलर करना है। फिर यहाँ पर है सिक्स नंबर द प्लांट्स आर ग्रीन। ओके, तो जो प्लांट्स देख सकते हैं आपको, दो प्लांट दिए गए हैं, तो दोनों प्लांटों पर हमें ग्रीन कलर करना है। इस तरह हमें ये जो पिक्चर है इसको पूरे कलर फिलअप्स करना है। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या ये ट्रैफिक सिग्नल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे स्टॉप सेज द रेड लाइट। ओके, रुकने के लिए कौन सी लाइट का सिग्नल मिलता है हमें, रेड सिग्नल मिलता है। और गो सेज द ग्रीन लाइट, और जाने के लिए कौन सी लाइट का सिग्नल मिलता है हमें, ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन देख सकते हो। वेट सेज द येल्लो लाइट। ओके, और राह देखते हैं ना, तो उसका येल्लो लाइट का, जब मालूम है हम कभी कहीं पापा के साथ, हमारे फैमिली सर्कल में किसी के भी साथ करते हैं, अगर हम जाते हैं कहीं रास्ते में, अगर क्या ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा, ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, इस तरह दिया जाता है। अगर रुकने के लिए कब, रेड लाइट का जो होता है तो रुकने के लिए होता है, और जाने के लिए ग्रीन, और वेट प्रतीक्षा करते हैं, रात देखते हैं, जब येलो लाइट का सिग्नल मिलता है तो वेट करते रहा। और ब्लिंकिंग इन बिटवीन। ओके, ब्लिंकिंग मीन्स क्या, तो पलक झपकते। ओके, बिटवीन मीन्स बीच में, पलक झपकने के अंदर ही हमें गाड़ी को पार करना रहता है, क्योंकि उसमें क्या काफी गाड़ियां खड़ी रहती है, ऐसा कि पलक कि जब सिग्नल मिलता है तो तुरंत ही सब गाड़ी अपना स्टार्ट करके सब गाड़ी लेके चले जाते हैं। अब हमें करना है कलर द ट्रैफिक लाइट। ओके, तो ये जो दिख रहे हैं आप लोग बच्चों, तो ट्रैफिक लाइट में हमें कलर करना है, ठीक है। स्टॉप के लिए यहाँ पे रेड कलर करना है आपको, तो मैं इसमें आर लिख दे रही हूँ, तो आप लोग कलर फिलअप्स कर लेना। ओके, और वेट के लिए आप लोग करना है यहाँ पर येल्लो, तो इसमें व्हाइट, तो आपको येल्लो कलर करना है। एंड गो के लिए आपको ग्रीन, यहाँ पे मैं जी लिख रही हूँ, ठीक है। इस तरह का आपको कलर द ट्रैफिक लाइट में कलर फिलअप्स करना है। अब आपको करना है कम्प्लीट द सेंटेंस। ओके, तो ये सेंटेंस को कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिए गए हैं, ब्लैंक सेज द रेड लाइट। ओके, तो ब्लैंक सेज द रेड लाइट, तो रेड लाइट का सिग्नल हमें कब, रेड लाइट जब कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है रेड लाइट का, स्टॉप, एसटीओपी स्टॉप, रुकने के लिए रेड लाइट का सिग्नल मिलता है। फिर टू नंबर ब्लैंक सेज द ग्रीन लाइट। ओके, तो जो जाने के लिए कौन सी लाइट का यूज किया जाता है, गो। एंड येल्लो लाइट का कहा जाता है वेट, जब रहा देखते तब येलो लाइट। इस तरह से हमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है। अब है नेक्स्ट हमारा है मिट्टू एंड द येलो मैंगो। ओके, तो ये हमें मिट्टू एंड द येलो मैंगो करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक यूज करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट, ये है मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक। अब इसमें हमें करना है मिट्टू एंड द येलो मैंगो स्टोरी। ओके, तो आप लोग दोस्तों ये नेक्स्ट पेज ये जो दिख रहा था, Say this word aloud, tell about the picture. ओके, तो जैसे मैंने उसमें करा इसमें भी सेम ही करना है। इसमें किस तरह का डिफरेंट दिया गया, द रूफ इज, इसमें आपको ड्रॉइंग देख रही है, ठीक है। रूफ कैसे कलर की, पिंक है कि ब्लू है, येल्लो है, वॉल्स येल्लो है कि रेड है, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को करना है, इसमें टिक करना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग रूफ का कलर कैसा है, द रूफ इज पिंक है कि ब्लू है, तो रूफ इज पिंक, तो पिंक पे टिक करना है। द वॉल्स आर येलो या रेड, येलो वॉल्स कैसा है, येलो या रेड है, तो इसमें क्या, उस मैंने वर्कबुक में करा उसमें आपको कलर फिलअप्स करना था, इसमें आपको क्या करना, टिक करना है। तो यहाँ पर वॉल्स है वो येलो कलर की है। द विंडोज आर ग्रीन एंड ब्राउन। ओके, तो विंडोज कैसा, ग्रीन ब्राउन, देखो आप लोग बच्चों, तो विंडो का कलर है ब्राउन, तो ब्राउन पर टिक कर दिया। द डोर इज ब्लू या ग्रे, तो देखो बच्चों, तो डोर का कलर कैसा है, ब्लू है, तो हमें ब्लू पर टिक करना है। द डस्टबिन इज पिंक या ग्रीन, तो आप लोग देख सकते हो डस्टबिन का कलर कैसा है, तेरा आगे रहा पिंक है, ठीक है, तो हमें पिंक पे टिक करना है। द प्लांट्स आर ग्रीन या ऑरेंज, तो प्लांट कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन या ऑरेंज, तो ग्रीन। द फ्लोर इज ग्रे या ब्राउन, ओके, तो आप लोग देख सकते हो फ्लोर ग्रे है कि ब्राउन है, तो फ्लोर है ग्रे, ठीक है। इस तरह कम्प्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मिट्टू एंड द येल्लो मैंगो स्टोरी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग यू आर रेडी हो, यस, चलो।
मिट्टू वॉज ए पैरट, मिट्टू कौन है, एक तोता था, ए ग्रीन पैरट विथ ए रेड बीक, ओके। वो तोता कैसे रंग का था, हरे रंग का, उसके पास लाल रंग की चोंच थी। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग, एक दिन मिट्टू क्या, फ्लाइंग इसका तो उड़ना, मिट्टू क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ही लव इट टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत ही पसंद था। ही लुक इट डाउन, और उसने नीचे देखा। ही शो ए बिग येल्लो मैंगो ऑन ए ट्री, और उसने पेड़ पे क्या देखा, एक बिग मीन्स बड़ा पीले रंग का उसने आम देखा। मिट्टू लाइक इट्स मैंगो, मिट्टू को आम बहुत ही पसंद थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येल्लो मैंगो ही सेड, ही फ्लू डाउन टू द ट्री, और उसने मिट्टू ने क्या देखा, नीचे उसने आम देखा था, और मिट्टू को आम बहुत पसंद थे। और आई वेंट टू, उसने कहा अब मुझे वो आम, पीला रंग का आम मुझे खाना, उसने कहा। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, और वो कहां पे उड़कर नीचे आया, पेड़ के नीचे आया उड़के। काव काव गो अवे, काव काव की ऐसी आवाज आई जोर जोर से। दिस इज माई ट्री सेड ए वॉइस, मिट्टू लुक इट अप, तो दिस इज माई ट्री, तो काव काव की आवाज आई तो कौवा, कौवे ने देखा दिस इज माई ट्री, आवाज आई तो कौवे ने काव काव कहा कि गो अवे, यहां से चलो, दिस इज माई ट्री, है मेरा पेड़ है, इसने जिसे लाउडली आवाज निकाली। मिट्टू लुक इट अप, मिट्टू ने देखा। ही शो ए बिग ब्लैक क्रो, ओके, मिट्टू ने पेड़ के पास आके उसने उड़के देखा, तो देखा एक बिग बड़ा सा काला सा कौवा था, और कौवा क्या कर रहा था, काव काव गो, ही क्रो शॉटे, ओके, शॉटे मुझसे था चिल्लाना, ओके। तो कौवे ने चिल्लाते हुए कहा कि काव काव गो अवे, कि यहां से चलो जाए, पेड़ मेरा है। ही हैड ए वेरी लाउड स्नो वॉइस, ओके, उसकी आवाज बड़ी भयंकर, आपको पता है बच्चों ना, कौवा क्रो होता है ना, कौवे का लाउडली इसकी जो आवाज होता है बहुत ही भयंकर होता है। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, ही फ्लू अवे, ओके। मिट्टू से अफ्रेड मीन्स होता है भय या डर जाना, तो मिट्टू से डर जाता है, और डर के वहां से ही फ्लू, वहां से वो उड़ जाता है। अब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बच्चों, तो मिट्टू शो ए रेड बलून, मिट्टू ने क्या देखा, एक लाल रंग का बलून देखा, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा है ना। इट वॉज अंडर ए ट्री, और वो कहां था बलून, वो बलून पेड़ के नीचे था। ही हैड एन आइडिया, उसके माइंड में आइडिया आया। ही पिकेड अप द रेड बलून, ही वॉज केयरफुल नॉट टू द ब्रश्ड इट, ओके, और पैकेट वो क्या क्या, वो बलून को लेकर आता है, और इस तरह से केयरफुल से लेकर आता है कि ब्रश्ड वो कि फूट ना, ब्रश्ड में इसका धमाकेदार वो फूटे ना। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री, और वो उड़के कहाँ पर आता है, ही फ्लू, उड़के आता है आम के पेड़ के पास, जो कहाँ, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द, जहाँ वो कौवा बैठा होता है। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री, और मिट्टू क्या करता है, कौवे के पीछे, पेड़ के, सॉरी, जो आम का पेड़ था उसके पीछे वो छुप जाता है। ही पैकेट द बलून विथ हिज रेड बैग, ओके, तो रेड बीक, तो क्या करता है पैरट इस तरह से उस बलून को पैक करता है, अपनी चोंच से उसे पैक करता है, देख सकते आप लोग, उसके उसने क्या किया, अपनी चोंच से उसके बलून को पैक करके रखा कि बलून फूटे ना। पॉप द बलून ब्रश, इट मैड एंड लाउड नॉइस, और जब वो बलून है ना, तो प्रश्निस्ता धमाकेदार फूटता है, जोर से पॉप करके आवाज आती है। इट मेड ए लाउड नॉइस, और उसकी आवाज बहुत ही जोरदार आती है। काउ सेड, तो क्रो, कौवा बोला, एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और कौवा बोला कि आवाज कहां से है, वो वहां से वो उड़ जाता है। काउ काउ ए बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो, ही फ्लू अवे, कौवा काउ काउ करके उस पेड़ से उड़ जाता है, और कौवा काउ काउ करता है, कहता है कि जिसे लगा उसे कि मेरे पीछे किसी ने बंदूक चलाई हो। ही नेवर कम बैक टू द ट्री, और कभी भी फिर वापस उस पेड़ के पास कौवा नहीं आता है। मिट्टू कैम टू द ट्री, मिट्टू पेड़ के पास आता है। ही एट द बिग येल्लो मैंगो, यम्मी यम्मी, और वो कौवा आता है, और सॉरी, मिट्टू पेड़ के पास आता है, और वो जो बड़ा सा येल्लो मैंगो था उसे खाता है, यम्मी यम्मी करके खाता है। वॉट ए नाइस मैंगो, इतना अच्छा आम है, ही से, वो बोला। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो गया। क्लेवर मिट्टू, मिट्टू कैसा था, होशियार और चतुर था। तो इस स्टोरी से बेटा पता चला आप लोग, मिट्टू ने किसे, मिट्टू को, मिट्टू ने किस आइडिया लगाकर उसने बलून लिया, उसने पेड़ के नीचे एक बलून देखा, और उसे बलून को पैक करके वो लेकर आया, और उसने क्या किया, कौवे के पीछे उसने बलून को पॉप करके फोड़ दिया, और कौवा डर के मारे वहां से उड़ जाता है, ठीक है, फिर कभी रिटर्न कौवा वहां पे वापस नहीं आता। और कौवे ने, मिट्टू ने क्या किया, अपना क्लेवर माइंड लगाकर उस मिट्टू ने वो येल्लो मैंगो को खा लिया, ठीक है। अब इसमें न्यू वर्ड कौन सा है, ब्लैक क्रो मैंगो एंड पैरोट, ठीक है, ब्लैक मिस काला, क्रो मिस कौवा, और मैंगो मिस होता है आम, पैरोट मिस तोता।
लेट्स रीड। चलो अब सेंटेंस बनाना है, देखो अब सेंटेंस बना, देखो मैंगो से सेंटेंस बना। आई लाइक ईटिंग ए मैंगो। आई अब क्रो से बन रहा है, आई लाइक फीडिंग ए क्रो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड द मिठू सी ऑन द ट्री। तो मिठू ने पेड़ के ऊपर क्या देखा, तो मिठू शो ऑन ए येल्लो मैंगो ट्री। व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, वो जो बड़ा सा कौआ क्या कर रहा था, द बिग ब्लैक क्रो सेस काउ काउ गो अवे दिस इज माई ट्री। उसने कहा कि यहाँ चल जाए मेरा पेड़ है। व्हाट डिड द मिठू सी अंडर द ट्री, मिठू ने पेड़ के नीचे क्या देखा, तो मिठू सो ए रेड बलून। डू यू लाइक इटिंग मैंगोस, क्या आपको आम खाना पसंद है, ग्रीन या येल्लो, यस तो यस, नो तो नो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज हमारा है, कलर द चिली रेड एंड द पैरोट इन द कलर ऑफ द चॉइस। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको, ये जो पैरोट का पिक्चर दिया गया है इस पे आपको कलर फिलअप्स करना है, ओके फिर चॉइस से। तो देखो आप लोग बच्चों, तो ये क्या है, पैरोट है। पैरोट में कौन सा कलर होता है हमेशा, पैरोट में हमेशा ग्रीन कलर होता है। इसकी बैक है, बीक में कौन सा कलर होता है, रेड। चिली है, चिली में भी कौन सा कलर करेंगे हम, रेड कलर करेंगे, इसमें फिलअप्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये देख सकते, ये जो दिख रही ना पेड़ की डाली, इसमें करना है हमें ब्राउन कलर। इस तरह से हमें कलर फिलअप्स करना है। तो सिंग है, देखो गाना है यहाँ पर, पैरोट विथ ए रेड बीक। ओके, पैरोट के पास क्या है, लाल रंग की चोंच। कैन यू रियली स्पीक, क्या वो बोल सकता है मिठू मिठू, यस। ट्रेस द पेट ऑफ द लेडी बर्ड। ओके, अभी लेडी बर्ड बनाना है यहाँ पर, देखो तो ये मैंने ड्रॉइंग किया था यहाँ पर बना, और मैंने डॉट लाइन्स कंप्लीट कर दी। आप लोग को ये बनाना है यहाँ से, ये पूरा आपको यहाँ से ये फिलअप्स करना है, तो लेडी बर्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज है, देखो मैच द फ्रूट एंड द वेजिटेबल टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। ओके, तो मैच करना है बच्चों, ये सब देख सकते हो आप लोग, फ्रूट्स दिए गए हैं, तो फ्रूट्स को मैच करना है वेजिटेबल से। ओके, तो ये जो इनके पेड़ है ना, इन्हें से इनके ट्री से मैच करना है, ठीक है। देखो वन नंबर में है बी ए एन ए एन ए बनाना, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट, ए डबल पी एल ई एप्पल, जी आर ए पी एस ग्रेप्स, एम एन जी ओ मैंगो। ओके, तो ये फ्रूट्स है। अभी ट्री के देखो, सी ओ सी ओ एन यू टी कोकोनट, टी आर डब्ल्यू कोकोनट ट्री, ए डबल पी एल ई एप्पल, टी आर डब्ल्यू ट्री एप्पल ट्री। ये है सेब का पेड़, ये है नारियल का पेड़। बी ए एन ए एन ए बनाना, टी आर डब्ल्यू ट्री। ओके, ये बनाना ट्री है, तो ये केले का पेड़ है। एम एन जी ओ मैंगो, टी आर डब्ल्यू ट्री, ये है आम का पेड़। जी आर ए पी ई वी आई एन ई ग्रेप वाइन, मिस होता है अंगूर का जो होता है लच्छेदार पेड़ वो। ओके, जो अंगूर की लताएं होती वो। ओके, अब हमें क्या करना है, फ्रूट्स को मैच करना है ट्री से, ठीक है। अब ये बनाना है, तो देख सकते हो बच्चों, तो मैंने बनाना को मैच किया, यहाँ से देख सकते हो बनाना ट्री से मैच किया है। कोकोनट को कोकोनट ट्री से मैच किया है, एप्पल को एप्पल ट्री से मैच किया है, ग्रेप्स को ग्रेप वाइन से मैच किया, एंड मैंगो को मैंगो से मैच किया। इस तरह मैंने मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट एक पेज और बचा बच्चों, फिलअप्स हमें करना है कंप्लीट। Draw over the dotted lines, okay? Dotted line means होता है ये जो देखा डॉट डॉट बने हुए, ये सब dotted lines है। तो आप लोगों को देखो बच्चों, ये इसे क्या करना है, यहाँ से इतना ये सर्कल में करना है, और ये जो डॉट लाइन दी है सब इसको यहाँ ये धीरे धीरे ट्रेस करना है। ये जो पॉइंट पॉइंट दिए गए ना, धीरे धीरे पॉइंट को सब ट्रेस करना है, धीरे धीरे बच्चों, ये पूरा फिलअप्स कर देने का आपको, ठीक है। इसको भी करना है, नेक्स्ट ये वाला जो दिया गया है इसे भी डॉट लाइन कम्प्लीट करना है आप लोग, ठीक है। बस से अलाउड आपको ये बोलना, देखो बी ए टी बैट, बी ई डी बैट, बी आई टी बीट, डी ओ टी डॉट, बी एन बन। उसके बाद है सी ए टी कैट, एफ ई डी फैन, एच आई टी हिट, एच ओ टी हॉट, एफ ई एन फन, एम ए टी मैट, आर ई डी रेड, पी आई टी पिट, पी ओ टी बॉट, एंड आर यू एन रन। इस तरह से आपको ये बोलना है, ठीक है। चूज ए लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिए गए वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो इसमें दिए गए वॉवल्स, आपको वॉवल्स की स्पेलिंग सब दिए गए हैं, ये वॉवल्स में इसे यहाँ पर से ये जो फिलअप्स करना है, ठीक है। स्पेलिंग देखो, एस और टी था तो मैंने इसमें क्या लिखा, आई एस आई टी सीट हो गया। अब ये टू है यहाँ पर, दो नंबर पी आई जी पिक, फिर है बी ए जी बैग, डी ओ टी डॉट, एस यू एन सन, फिर यहाँ पर एफ ई एन फन, एल ई जी लैग, एस ई टी सेट, एल ई टी लैग, एंड डी एन बन। इस तरह बच्चों ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको टेक्स्ट बुक में यूनिट 3 कंप्लीट करा दिया है, आप लोग ये सब को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।